शिश्न में कठोरता के लिए कुछ दवाई होती है जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, उसके बारे में ये वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करके भी सलाह मशवरा करते हैं, खुद होके यहाँ आते हैं, रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और अपना जीवन अच्छा कर लेते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है, हमारा मिशन है। काफ़ी सारे लोग आते हैं कि जिनको ये जो सेक्स टॉनिक है जिसमें सिल्डेनाफिल, टाडानाफिल नाम की जो दवाइयाँ हैं, ये लेके भी फायदा होता नहीं, इसका भी कोई असर होता नहीं है, इससे भी उनको शिश्न में कठोरता आती नहीं है। और फिर वो बोलते हैं कि हमको फ़ायदा नहीं, अभी बोलो क्या करना है। तो अभी उनके लिए पेपेवेरिन नाम का इंजेक्शन है जो शिश्न में हम देते हैं। वो जैसा डायबिटीज़ लोगों के लिए इंसुलिन की जो सिरिंज रहती है, बारीक सुई रहती है उसमें, और वो इंसुलिन सिरिंज से वो सुई से इंजेक्शन देते हैं, वैसा वो इंसुलिन सिरिंज से वो पेपेवेरिन का इंजेक्शन करीब करीब 10 से 20 मिलीग्राम शिश्न में, जैसे शिश्न का समझो घड़ी में जैसे 12, 3, 6 और 9 होते हैं, 12, 3, 6 और 9, तो 3 का जो आंकड़ा है, मतलब 3 का जो आंकड़ा जहाँ रहता है घड़ी में, वो साइड मतलब वो बाजू में शिश्न के वो इंजेक्शन दिया जाता है। पूरा उसको इंजेक्ट कर लेना है और फिर कामक्रीड़ा करनी है। कामक्रीड़ा करते करते शिश्न में कठोरता आ जाती है और फिर व्यक्ति सेक्स कर सकता है। अब इसका फ़ायदा यह है कि इसमें बाकी जो साइड इफ़ेक्ट है बदन में वो होते नहीं, क्योंकि वो लोकल एक्ट करता है। तो बाकी सर दर्द है, पीठ दर्द है, आंखें लाल होना, फिर हार्ट का प्रॉब्लम रहा तो वो ले सकते नहीं है, तो ऐसे ही सब प्रॉब्लम निकल जाते क्योंकि वो तो शिश्न भी लिया जाता है। इसमें प्रॉब्लम एक होता है सिर्फ कि लिंग की कठोरता जो ये इंजेक्शन से आती है, वो लिंग की कठोरता 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में पूरी निकलना चाहिए, मतलब निकल के जाना चाहिए और शिश्न ढीला होना चाहिए, मगर वो कभी कठोरता नष्ट नहीं होती, कठोरता कायम रहती है 4 घंटे के बाद में। तो फिर उसके लिए वो थोड़ा पंक्चर करके उसमें का खून बाहर निकालना पड़ता है और खून बाहर निकाल के उसका जो ढीलापन है वो फिर ढीलापन लाना पड़ता है, क्योंकि यदि 4 घंटे से ज़्यादा यदि कठोरता टिक गई तो फिर शिश्न को प्रॉब्लम हो जाएगा और शिश्न की नई बीमारी चालू हो जाएगी। तो इसके लिए ये भी देखना जरूरी है कि अपन जब ये इंजेक्शन पेपेवेरिन का शिश्न में लेते हैं तो कभी कठोरता नष्ट नहीं हुई तो कोई डॉक्टर के पास में जाके उसका इलाज करना वो भी जरूरी रहेगा। इसलिए डॉक्टर जहाँ उपलब्ध है वहीं इंजेक्शन लेना है, कहीं बहुत दूर है, गांव के बाहर है, जहाँ डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध नहीं वहाँ लेंगे और शिश्न की कठोरता कायम रही 4 घंटे बाद में तो नया प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं। तो ये वो लोगों के लिए जिनको सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल ऐसी जो सेक्स टैबलेट है वो रिकमेंडेड नहीं है, मगर उनको लोकल इंजेक्शन दे के इसका काम हो सकता है। तो ये वीडियो आप ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों को अपना जीवन अच्छा करने में और जीवन जीने में मज़ा आ जाएगा। हमारा जो है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, उसके लिए आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।